शिवपुर में आज कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जीत पर मनाया जश्न। मिठाइयां खिलाकर और पटाखे चलाकर ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने मनाया जश्न। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बजरंग बली की जय बोलकर वहीं राम तलाई हनुमान मंदिर पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर और हनुमान जी की जय बोलकर वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा था कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी इसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से अपना परचम लहराएगी। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। देखिए ये हमारे जैसे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि नफरत के बाजार में ये मोहब्बत की जीत है और इसी तरह से हम लोग भी देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल से लगातार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में जो झूठ परोस करके किस तरह आंखों में धूल झोंक करके जनता को गुमराह किया जा रहा था, आज उसकी कलई पूरी तरह से उतरने लगी है। आज दक्षिण भारत के कर्नाटक से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री ने लगातार 15 दिन तक बेलगाम प्रचार किया, एक सैकड़ों रोड शो किए, कई सभाएं करी और उसके बाद रिजल्ट सामने है कि उनकी 60 के नीचे सीटें चली गई। और राहुल गांधी जी जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से पैगाम दिया था दक्षिण भारत से निकल करके उत्तर भारत लेकर जम्मू कश्मीर तक, आज उनके भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम कहें, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का परिणाम कहें और वहाँ की एकजुटता जो वहाँ पर सिद्धरमैया जी और शिव कुमार जी की जोड़ी ने कमाल किया, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वहाँ से कर्नाटक से आकर के, प्रियंका गांधी जी सोनिया गांधी जी का चमत्कार कहें, लगातार कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत आज शामिल वहां पर हासिल किया है। 140 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल करी है। ये हम लोग एक मध्य आने वाले मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां पर भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सफाया करेगी और इसके बाद आने वाले 24 के चुनाव की लोकसभा की भी आहट हो गई है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी से सत्ता को छीन करके देश में किसानों की, गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग और हर वर्ग की सत्ता को वापस कांग्रेस राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में स्थापित करेगी, हम इस तरह से देखते हैं।